हेलो स्टूडेंट समस्त स्वागत करुच्चे चिन्मय सर यूट्यूब चैनल को आज आपंपाई जो सब्जेक्ट नहीं आसी इंग्लीश किसी रूल आपण शिखेबी जहाँकि निहाती कंपिटेटिव एग्जाम हूँ बा नॉर्मल साधारण जीवन में भी जब आप इंग्लीश व्यवहार करते निहाती काम लगे सब्जेक्टर नाँ हूँ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आपण आगे बुझा ये सब्जेक्ट कौन वर्ब कौन तार एग्रीमेंट कौन परीक्षा केमी प्रश्न आसे वीडियो टी शेष पर्यटन देखते निश्चित आपंपाई काम लगे जो मैंने प्रथम थर पर देखुंट चैनल टी सब्सक्राइब करनी चलत बुझा जे सर ये जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आप चैप्टर आनी ये चैप्टर परीक्षा में कौन क्वेश्चन आसे केमी आसे देखो ये चैप्टर आपण को जनरली आपणकर जो सेंटेंस गोटे दे था पचार फाइंड द करेक्ट जो भूल हो इनकरेक्ट जो होने खोजा दरकार मान एरर को खोजा दरकार आउ बेले बेले फिलिंग द ब्लैंक्स आसे ओके यहाँ प्राय देखो एमती गोटे एग्जाम्पल आपको दूसरी नाइदर लिखिली धरतु नाइदर ओके नाइदर लिखिली नाइदर ऑफ मेन ओके पे माउस रे टिके लिखुच असुविधा होने बुझ नाइदर ऑफ मेन सॉरी नाइदर ऑफ मेन आर नाइदर ऑफ मेन आर वर्किंग तो पचार ये सेंटेंस रे भूल कौन अच्छे नाइदर ऑफ मेन आर वर्किंग भूल अच्छी ना ठीक अच्छे आप लक्ष्य करेंगे जे सर मेन आपड़ एम ई एन लिखी ये प्लुराल फर्म अच्छे हाँ ना ना तेणु आर लगे सब तो ठीक ठाक लगुच फिर भूल कौन ना ये भूल अच्छे ये आर लगे ना कहीं लगे आज से क्लास रूल पढ़ा कौन भूल रोच ओके चलो मन देख बुझा प्रथम सब्जेक्ट कहले आपने जानते हैं जहाँको आपे कर्ता सब्जेक्ट ओके आपण मानकर वर्ब कहले क्रिया वर्ब एग्रीमेंट क्रिया एग्रीमेंट कहले आप जानते चुक्तिनामा टोटाली उपरे इंग्लीश रे कहले के सब्जेक्ट पाकरे क्यों वर्ब लगे आम आज से पढ़वा मत कहतु धरतु आपड़ जो पढ़ी थे स्कूल बेले धरतु लिखा जाए आई 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 पाखे कौन लगे धरतु आई पाखे आम लगे आई कौन गो हाँ ना आई गो मु कहली आई गो ओके आई गो मुझी ओके मुगली आई गो किंतु जिते बीदे आम से कौन लगे पे हि गो कहते ना हि गोज ते जो चेंजेस है कौन पर हूँ आटे पास्ट टेंस हुए आई वेंट हि वेंट ओके छाड़ू आम सियाड़े जीवन ये जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट रे मुझे शिखेबी क्या पाखे कोटा लगे ठीक रूल लगे ये जो रूल आपको शिखेबी निश्चित एगार बारटे रूल आपको कह निश्चित मन देखिए शुणु निश्चित आपत भल करें चलत देखा प्रथम रूल कौन रोच रूल वन कौन अच्छी भल भाव बुझु प्रथम रूल है जेनराल रूल ए वर्ब एग्रीज विथ इट्स सब्जेक्ट इन नंबर जदि तार अर्थ कौन वर्ब क्रिया क्या उपरे डिपेंड कर सब्जेक्टर नंबर उपरे जे सिंगुलर अच्छी ना प्लुराल अच्छी जदि सिंगुलर सब्जेक्ट अच्छी ताले तार सिंगुलर वर्ब दिया जिवो जदि प्लुराल थिवो प्लुराल दियो सिंगुलर माने एक वचन हैला देखंतु एटी सब्जेक्ट कौन सेंटेंस उठे दीजिए द कार स्टेज इन द ग्यारेज गाड़ी टी ग्यारेज रे अच्छी ये सब्जेक्ट किए ये सेंटेंस रो द कार कार हैला सब्जेक्ट ओके केतुटा कार अच्छी गोटे सिंगुलर ए कार लिखाई ना कार्स लिखाई कार्स लेखा ही पे प्लुराल होता मुझ कह कथ बुझी पड़ुं कार्स ही प्लुरा कार लेखा तेणु देखो ये स्टेज लगे इंपोर्टाट जिनस कौन लगे स्टेज खाली स्टे लगी प्लुराल आपणकर द कार्स स्टे कि द कार स्टेज देखिए एस लगे जमी कही हि गोज मन रहा प्रथम रूल है सिंगुलर थी सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब लगे यार आगु को रूल सब चेंज हे देखो ये सेकेंड एग्जाम्पल देखो द फ्लावर स्मेल्स गुड खाली स्मेल लिखीदे भूल हो कहीं ये द फ्लावर गोटे सिंगुलर अच्छी फ्लावर मान गोटे फ्लावर्स नुहे फ्लावर्स थी ये खाली स्मेल होता मन रहा ना नाई राम राम इट हब इट हब ना राम इट्स किंतु दे कहले बहुत जन हो गले से माने तेणु दे इट मन रहा पे मैंने क्लियर बुझीगला प्रथम रूल नेक्स्ट रूल को जीवा रूल नंबर टू रूल वन आउ थे कहीदे सब्जेक्ट को देखिए जदि सिंगुलर अच्छी वर्ब से हिसाब से आपंकर एग्रीमेंट रे सिंगुलर रमी द कार थिला गोटे स्टेज है फ्लावर गोटे थिला स्मेल्स है रूल टू आसला जदि द नंबर ऑफ द सब्जेक्ट सिंगुलर हो
बा प्लुराल जोड़ा नंबर ऑफ सब्जेक्ट थी वो इज नॉट चेंज्ड बाय द वर्ड्स दैट कम बिटवीन द सब्जेक्ट एंड द वर्ब आसी गला इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट जिंस से कहूँ सब्जेक्ट मझीरे जदि आपणकर वर्ड गोटे आसी जाउची ताहले से सिंगुलर थाउ कि प्लुराल थाउ ताकू नॉट चेंज्ड माने चेंज करिवो नाही से जो शब्द द्वारा केमिति भलो भाबे बुझंतु एग्जांपल देखिले जानी हो वन ऑफ द एग्स इज ब्रोकन आपण कहिबे सारे कोन एठी एग्स लागिची पुणी इज लागिला कोन एठी बुझियलानी ना मु आपण मानु एठी कहिबाकू चाहूची द नंबर ऑफ द सब्जेक्ट एठी सब्जेक्ट कहिले काहाकू बुझैबा एटी सब्जेक्ट को एटा को टारगेट रखिबे एंड द वर्ब एटी कोन लागी गला इज ताको मझीरे जो शब्द आसीबो ताकु लक्ष्य करिवे नाही इज नॉट चेंज्ड सीए चेंज हबो नाही वन ऑफ द लागी छि माने आपन को एटी सिंगुलर नबा को पड़िबो मन रहिला ए एक्स को देखिबे नाही क्लियर बुझैला रूल 2 रूल 3 Some subjects always take a singular verb even though the meaning may seem plural. Mu rule 1 rule 2 pura mona roi gala to are rule au thar doubt rouchi rule 1 koi deli singular thile singular subject roibo plural thile plural roibo plural ta koi nei ki koili ba dharantu we kon hobo run ame doudiba we run ame doud okay we run kintu ei jaga re apan koibe sare see जन महिला सी कौन कहे रन्स थर्ड पर्सन सिंगुलर मन अच्छे ना नहीं थर्ड पर्सन सिंगुलर ओके तुम सिंगुलर थिले आपठी सिंगुलर रे सब्जेक्ट भर सिंगुलर रहा प्लुराल रहा प्लुराल सेकेंड रूल कहली जदि सिंगुलर प्लुराल मझे कौन शब्द आसू कौन भी इज नॉट चेंज बाय द वर्ड से वर्ड द्वारा किसी चेंज हम ना आप सब्जेक्ट को लक्ष्य करके वर्ब देते सी मझे जो वर्ड देव कन्फ्यूज क्लियर आउ थे रूल 3 रूल 3 कौन कहला सम सब्जेक्ट्स ऑलवेज टेक ए सिंगुलर वर्ब इवन दो द मीनिंग मे सिम प्लुराल ता माने एते गुडा के शब्द आपण माने देखिबे बॉक्स रे मु जो देई ये आखी की आपण को देखा जीवो ये प्लुराल किंतु ये सब बेले सिंगुलर हबो बहुत बहुत इंपोर्टेंट पिला माने मु जानिनि ये क्लास आपण माने पे केते सहजिक हबो किंतु मु पढाया भीतर जति की जानिछि आपण मान को निश्चित इंग्लिश को बेस्ट स्ट्रांग करिया पे ग्रामर आगे आउ ए जिनछ आपण मानु काम लागिवो मु जति जानी छी मो पढाया भीतर ओके देखंतु कोन एटी जिनछटा इच समवन एदर एनीवन नेदर नोबडी वन समबडी नो वन एनीबडी एवरीवन एवरीबडी ए देखिले पिला माने ई जो एवरीवन एवरीबडी आपण सबोळे भाबुथिबे ना ये सर प्लुराल हबो सत कहबे एवरीवन प्रत्येक जण किंतु एवरीबडी समस्त ई जो जिनछ गुडा को आपण को ये सबोळे देखा जाती प्लुराल भोलिया किंतु सिंगुलर भर बैंक मानकर सांगो बुझीला ना बुझी नथियो सर एग्जांपल देले ना बुझी हबो खाली बुझीला हो क्षमा करिवे एग्जांपल समवन इन द गेम वाज हॉट देखंतु मु वाज को बोल्ड करिची ता माने देखंतु समवन हला एटी सब्जेक्ट सिंगुलर सेति पई एटी वाज लागिची जदी प्रश्न रे आपण कर एटा थिबो समवन इन द गेम ओ आर हॉट आपण सांगे सांगे करेक्शन करि परिबेनी डिटेक्ट करि परिबेनी जे सांगे सांगे आपण कहबे सर रूल नंबर 3 कहिची एटी ओ आर पूरा भूल हबो बुझियला ना बुझियलानी हां ना नाही सेकंड देखंतु नेदर ऑफ द मेन इज वर्किंग देखिले नेदर ऑफ द मेन आर वर्किंग नु हे एबे फर्स्ट आपण गई क्वेश्चन मु देथिली एबे जानी पाले काहे के आर लागिलानी बुझीला ना बुझीलानी हाँ तापर आउ गोटे भी आपण अच्छे देखूँ मेनी ए मैन यू पूरा बॉक्सटा को मन रखीदे यार पीडीएफ दरकार कि पिला माने टेलीग्राम चैनल मु प्रोवाइड कर देबी लिंक डिस्क्रिप्शन रे अच्छी आपण टेलीग्राम रे जॉइन करूँ मेनी ए एटी थिला ना मेनी ए थिले कौन करिया को कोई थी सिंगुलर सब बेले करिवे देखंतु मेनी ए सब्जेक्ट आपण को जदि आसुची ता मझीरे जिया आसुची ताकु भूली जांतु सी सिंगुलर आसु कि प्लुराल आसु बुझी पार्चो ना यो मैन आपण कह सारे मैन ये सिंगुलर कि प्लुराल कौन दरकार किसी आप भावे मेनी ए लगला मैंने सिंगुलर को नहीं जी ओके नाइदर ऑफ लगी मैंने नाइदर लगी मैंने स्टार्टिंग रु आप कि नाइदर नर नुहे कन्फ्यूज हेनि खाली नाइदर कथा कौच तेल एटा को आ लक्ष्य करें ये मेन सिंगुलर अच्छे कि प्लुराल अच्छे पे एक्चुअली मेनटा कौन एम ए एन मेन है आम जानते सिंगुलर किंतु एम ई एन मेन कहले कौन प्लुराल ओके बहुत जिनस अच्छी बाबा जानापी धीरे धीरे जानवा है यहाँ है ये जो लगला कौन लगला हाज जदि आपण सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट प्लुराल होता है आप हाव लगे कौन लगे हाव ओके
बुझीगला जिनसा रूल नंबर थ्री क्लीयर जीवा रूल नंबर फोर को रूल नंबर फोर कौन बुझा द फॉलोइंग वर्ड्स मे बी सिंगुलर और प्लुराल डिपेंडिंग अपॉन देयर यूज इन ए सेंटेंस ये कौन बाबा ये हैला पिला माने से कुछ ये जो शब्द किछिटा जो दिया है जी कौन सोम एनी ऑल मोस्ट ये बेले बेले सिंगुलर भी हो पारती प्लुराल हो पारती निर्भर करे का उपरे आपण मानकर सेंटेंस रो व्यवहार उपरे केमिति फर्स्ट एग्जांपल मोस्ट ऑफ द न्यूज इज गुड ता माने कौन मोस्ट ऑफ द न्यूज इज गुड ये मत कहले न्यूज गोटे जानी आपणकर सिंगुलर बोली ना भावुं प्लुराल ये देखा जाए न्यूज रे एस लगी बोली प्लुराल भावे ये सब बेले सिंगुलर मुझे कहबी रूल अच्छी आहरी आगे मोस्ट ऑफ द न्यूज इज गुड कहीं ना ये सिंगुलर किंतु सही मोस्ट ऑफ द सही मोस्ट ऑफ द लगला फ्लावर्स पाखे जो लगुच देखते ओयार होगा कहीं ओयार होगा ना सारा बा फ्लावर्स गोटे प्लुराल से आप ओयार लगे बुझीगला ना तेणु सम एनी ऑल मोस्ट सेईटी मोस्ट थिला बोले सिंगुलर हैला सेई मोस्ट एठी प्लुराल हैला कहा को डिपेंड करिकी ना तार सब्जेक्ट कौन अच्छी एठी न्यूज सिंगुलर थिला किंतु एठी फ्लावर्स प्लुराल अच्छी बुझीगला नेक्स्ट आउट एग्जांपल देखिबा ऑल ऑफ द पिज्जा वाज गॉन सब पिज्जा गला ऑल ऑफ द पिज्जा वाज एठी ऑल ऑफ द पिज्जा पिज्जा कहले सिंगुलर को जाई पिज्जास एस लगिनी तेणु ऑल ऑफ द पिज्जा कही जेहेतु एठी ऑल ऑफ द रो सब्जेक्ट सिंगुलर होती तेणु तापी आम व्यवहार कर सिंगुलर वाज प्लुराल होते ओयार लगी था बुझीगला कि नेक्स्ट एग्जांपल देखूँ से ही ऑल ऑफ द लगी कि चिल्ड्रेन चिल्ड्रेन कौन ले एक वचन ना बहुवचन बहुवचन चाइल्ड रो प्लुराल फॉर्म है चिल्ड्रेन है तेणु चिल्ड्रेन लगी जेहेतु बहुवचन तापी प्लुराल लगला ओयार एबे बुझीगला रूल नंबर फोर रूल नंबर फोर आउ थे कहीदेवी रूल नंबर फोर कौच जदि आपतक शब्द जोटा कि सम एनी ऑल मोस्ट एगुड़ाक आपणकर डिपेंड करे सेंटेंस को देखिक आप मन रहा रूल नंबर फाइव ये गोटे बढ़िया प्रश्न सब्जेक्ट जॉइन बाय एंड आर प्लुराल सब्जेक्ट जॉइन बाय और किंबा नर टेक ए वर्ब दैट एग्रीज विथ द लास्ट सब्जेक्ट पे मन दे बुझे यहाँ परीक्षार बहुत इंपोर्टां देखो यही रूलटा को बहुत इंपोर्टां सी कौच जदि सब्जेक्ट दुईज एंड रे लगी थे सी प्लुराल हम सब केमी ये प्रथम एग्जांपल देखो राम एंड हरी आर लिविंग कहीं दुईज हिसाब से निजी राम जड़े हरी जड़े तेणु प्लुराल फर्म होेणु राम एंड हरी आर लिविंग ओके तेणु आप मन रखु एंड लगी सब्जेक्ट यही सेन्टेन्स जॉइंट होते सब्जेक्ट ताकू प्लुराल फर्म ने मन रहा प्रथम गला द्वितीय कौच जदि सब्जेक्ट खाली और नर्रे अच्छी ताहले कौन ने भर्ब एग्री करिवो ना तार शेष सब्जेक्ट को लेकिन करेंगे शेषकर्ता को ओके कौन देखा नाइदर टॉम नॉर जेरी इज लिविंग ये देखो नाइदर नॉर खाली नाइदर नुहे नाइदर नॉर आपण लक्ष्य करेंगे फास्ट टर्म नुहे नॉर आउ और थिले टेक ए वर्ब दैट एग्रीज विथ द लास्ट सब्जेक्ट किए अच्छी एटी शेष सब्जेक्ट ये प्रथम सब्जेक्ट किए कहले प्रथम सब्जेक्ट है टॉम मुझे जूम करदे ना पाठटा भलिकि बुझे सेमती नुहे परीक्षा आसु न आसु से अलग जिनस बट पाठटा पढ़ी निजे तो एटलिस्ट निजी को सैटिस्फाई लगे हाँ मुझे जानी बोली ओके मुझे सब से ही उद्देश्य आपको पढ़ाए नाइदर टॉम और नॉर जेरी इज लिविंग ये देखो प्रथम सब्जेक्ट है टॉम द्वितीय सब्जेक्ट किए जेरी ये तो दुईज ये अच्छा लोक आउ तो देखा ना ओके टॉम आउ किए जेरी ये प्रश्न कौच नाइदर नॉर थिले द्वितीय सब्जेक्ट को एग्री कर वर्ब्स लास्ट सब्जेक्ट को लास्ट किए अच्छे जेरी सिंगुलर जड़े तेणु जेरी इज लगला मन रहा बुझीगला सेकेंड एग्जांपल देखु नाइदर राम नॉर हिज फ्रेंड्स आर लिविंग ये नाइदर नॉर लगी आर कहीं लगला कहीं लगला ये सब्जेक्ट दुईज अच्छा गोटे राम गोटे फ्रेंड्स आमको कही शेष लास्ट सब्जेक्ट को लेकिन करवाक पड़ो तेणु लास्ट सब्जेक्ट जेहतु फ्रेंड्स अच्छी मानने प्लुराल फर्म अच्छी तेणु तार प्लुराल फर्म आर लगला मन रहा ना मन रही बुझीगला जिनसटा ओके तेणु एटी ओयार भी आपड़ करेंगे से अलग जिनस कि प्लुराल लगे टेन्स को मुझे बुझीप पाने जापारे ये जेरी पाखे इज है बेले से ही नाइदर नर्रे ये से ही नाइदर नर्रे कहीं आर लगला ना फरक ये नाइदर नर्रे कौन है सेकेंड सब्जेक्टा प्लुराल थी सर ये सेकेंड सब्जेक्टा कौन थी सिंगुलर बुझीगला मुझ तो आशा करूँ जी आपको कहली निश्चित आप बुझीपे यू आपको जदि बुझाप असुविधा होती है भिडियो को पछुक नहीं देखते
रूल नंबर सिक्स कौन रूल नंबर सिक्स सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट रे एटा तो प्राय एग्जाम रे आसुची आउ दे आर एंड हियर पिला माने मन रखिथिबे दे आर आउ हियर रे बहुत कन्फ्यूजन आसे ई जो शब्द सेठारे एठारे ये केबे नेवर सब्जेक्ट्स ए माने केबे सब्जेक्ट्स हुंदी ने ए जो सेंटेंस आमे माने तळे दैछंती इन सेंटेंस दैट बिगिन विथ दीज वर्ड्स जेउ वाक्य रे एई शब्द रु आरंभ होइताय द सब्जेक्ट इज यूजुअली फाउंड लेटर ऑन इन द सेंटेंस तार सब्जेक्ट को हम खोजिवार अछि कोठी आगरे थिबो केमिति एग्जांपल लेले आमे जानिबा एग्जांपल आसीगला आपन सामना को कंप्यूटर महाशय एग्जांपल दिउतु देले प्रथम एग्जांपल देखंतु दे आर स्टार्टिंग हेजि दे आर रु ओयर सिक्स बुक्स ऑन द सेल्फ मैं पूरा लिखी देछि पीडीएफ रे आपन मानु दबा पई एटी लक्ष्य करूँ कहीं ओयार लगेगा पिला माने एटी देयार पाई ओयार लगनी ना लगी कहापी बुक्स पाई बुक्स अच्छी प्लुराल से ओयार लगे बुझीगला जिनसटा मोर कहार कथ रूल सिक्स कौच हियर देयार को डायरेक्ट देखिदेक आप बसइबे आपड़ भर्ब एग्रीमेंट जो करेंगे तो आगे देखिए क्यों सब्जेक्ट को आपण खोजुंट फाउंड करेंगे जो सब्जेक्ट कौटी अच्छी सेन्टेन्स बुक्स से ओयार हियर इज द रिपोर्ट यू वांटेड इट रिपोर्ट सिंगुलर रिपोर्ट्स नुहे रिपोर्ट सिंगुलर से इज से ही देयार लगी थर्ड सेंटेंस रे किंतु इज लगी कहीं ना देखो देयार इज ए प्रॉब्लम गोटे प्रॉब्लम तेणु इज ना आप कह सर देयार पाखे आर लगे आप लगे ओयार प्लुराल मुझे ओयार लगे आर लगे सेमती कहे ना आप सब्जेक्ट देखिए कि हियर उपरे लगी इज कि देखते लगे आर केमी ना हियर आर द पेपर्स देखो पेपर्स मुझे बोल्ड कर देती पेपर्स कहले प्लुराल से आर लगे तेनाली रूल नंबर सिक्स कौन जाणीगले आमको सर कौन करार अच्छे दे आर हियर को देखार ना आगु को सब्जेक्ट देखा नहीं कि आम सिंगुलर की प्लुराल करवा जमी एटी बुक्स बुक्स को देखिकी कले रिपोर्ट को देखिले प्रॉब्लम को देखिले पेपर्स को देखिले मन रहा निश्चित भल लगे नेक्स्ट रूल नंबर सेवेन यहीटा बहुत इंपोर्टाट परीक्षार आसूँ कौन कलेक्टिव नाउन्स आर कनसीडर्ड एज सिंगुलर मे बी प्लुराल डिपेंडिंग ऑन द राइटर्स थॉट ता माने ये कौन हुए जिनसटा कलेक्टिव नाउन कौन बुझीचंदा ना जहाँ को कौन कह जाए समूहवाचक ना कलेक्टिव नाउन जमी फ्लक ऑफ बर्ड्स ओके पैक ऑफ वोल्व्स स्वार्म ऑफ बीज मऊमाची ए क्लास ऑफ स्टूडेंट्स हाँ ना बहुत अच्छे एगुड़िक यू जिनस गुड़ाक आप कौन बोली कह जाए आपणकर कलेक्टिव नाउन समूह आपण गोटे जोटी गाई मैंने बहुत अच्छा आम कौन कह हर्ड ऑफ शीप हर्ड ऑफ काउ माने दलटा को दल कहते सोल्जर जो रेजिमेंट ऑफ सोल्जर आर्मी एम सब कह जाए मन रहा अच्छी बहुत जिनस बतेबी धीरे धीरे ये देखो सी कौन कलेक्टिव नाउन जो बड़े यूज करा जीवो बेले बेले सिंगुलर हम बेले बेले प्लुराल हम यहाँ तुमको डिसाइड करा पड़ो केमी करा पड़ो मुझे बतई इफ द कलेक्टिव नाउन रेफर्स टू द ग्रुप एज ए यूनिट देन इट टेक्स ए सिंगुलर वर्ब जिते बड़े कलेक्टिव नाउन्स गोटे ग्रुप को बुझेब गोटे यूनिट को बुझेब समस्त मिसिकी गोटे काम करुचारिंगुलर वर्ब को बुझेब आते जिनसटा इंडिविजुअली पर्सनाली मानने डिफरेन्ट हो अलग अलग व्यक्तिगत भाव में बुझेब ग्रुप्र कौन पार्ट को तेल यटा को कौन कर प्लुराल फर्म यूज कर मन रहा पे देखते केमी करवा एग्जाम्पल ने आम क्लीयर करवा एग्जाम्पल प्रथम द ऑर्केस्ट्रा इज प्लेइंग ए हिट सॉन्ग आपन के सर जो ऑर्केस्ट्रा लागिला ता माने एठी जो बैंड पार्टी जो म्यूजिक टीम गोटे टीम माने सॉन्ग बजाउचोनी समस्त मिसिक एटा हला गोटिए टीम सेहि पई एठी लागिला इज एटा ऑर्केस्ट्रा गोटे कलेक्टिव नाउन काई कहले ऑर्केस्ट्रा का कोजे आपन सुनिथिबे म्यूजिक फ्यूजिक बैंड फैंड जो सिंगर सब कहते पार्टी हूँ तेनालीटा गोटे पूरा कलेक्टिव नाउन समूहवाचक किंतु इज कहीं लगेगा ना ये से जो रिप्रेजेंट करा कराऊँगी समस्ते मिसिकी चलकर कार्यक्रम तेणु गोटे यूनिट को बुझेला किंतु से ही जगार ये कौन हम देखता ये कौन हो द फ्लक ओयार रनिंग अफ इन एव्री डायरेक्शन फ्लक अफ बार्डस हो फ्लक अफ आपणकर जेकोसी आपणकर फ्लक कोई पारो जोंदी सी जो दलटा ओयार रनिंग अफ इन एव्री डायरेक्शन ता माने एटी ओयार काई लागिला कहले ये भी फ्लक गुटे आपण कहबे सर ये तो कलेक्टिव नाउन एटी तो वाज लागिबा कथा काई आपण ओयार लगेले प्लुराल काई कले काई कली पिला माने एटी देखंतु से माने दौड़ी जोंदी इन एव्री डायरेक्शन ता माने किए कुआडे दौड़ी जोंदी ता माने किए एपुटु को किए सेपुटु को किए एमिति एमिति ताकर मन इच्छा सब ता माने एटी प्रत्येक को जण जण इंडिविजुअल कथा आसी गला ना एटी यूनिट रही कि
ଯେମିତି ଅର୍କେଷ୍ଟ୍ରାରେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ବଜାଉଥିଲେ ଏଠି ସେମିତି ହେଲା କି ନା? ତେଣୁ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଲାଗିଲା କ'ଣ? ଓୟାର୍ ମନେ ରହିଲା। ଏଇଠି ଉପରେ ପୁଣି ଦେଖନ୍ତୁ ସିଙ୍ଗୁଲାରରେ କ'ଣ କରାଇଛି, ଏ ୱୋଲ୍ଫ ପ୍ୟାକ୍ ହଣ୍ଟସ୍ ଏଜ୍ ଏ ଗ୍ରୁପ୍। ଏ ୱୋଲ୍ଫ ପ୍ୟାକ୍ ହଣ୍ଟସ୍ ଏଜ୍ ଏ ଗ୍ରୁପ୍, ଏଠି ଯେଉଁ ୱୋଲ୍ଫ ପ୍ୟାକ୍ ଲାଗିଲା ପୁଣି ପଚାରିଛି ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଶିକାର କରୁଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ସିଙ୍ଗୁଲାର ହେଇଗଲା ଜିନିଷଟା ଗ୍ରୁପ୍ରେ କରୁଛନ୍ତି ୟୁନିଟ୍ ହେଇକି, ତେଣୁ ହଣ୍ଟସ୍ ଲାଗିଲା। ହଣ୍ଟସ୍ ସିଙ୍ଗୁଲାର ପାଇଁ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, ଖାଲି ହଣ୍ଟ ହେଇଥିଲେ ପ୍ଲୁରାଲ ପାଇଁ ହେଇଥାନ୍ତା। ମନେ ରହିଲା, ମନେ ରହିଲା। ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଆଉ ଗୋଟେ ଚାରି ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଦ ଷ୍ଟାଫ୍ ଡିସେଗ୍ରି ଅନ୍ ଦ ପ୍ରପୋଜାଲ। ଷ୍ଟାଫ୍ କହିଲେ ଟୋଟାଲ କଲେକ୍ଟିଭ ନାଉନ୍, କିନ୍ତୁ ସାର୍ ଆପଣ ଏଠି ସିଙ୍ଗୁଲାର ନ କରିକି କାହିଁକି ପ୍ଲୁରାଲ କରିଛନ୍ତି? କେମିତି ଜାଣିଲେ ଏଠି ସିଙ୍ଗୁଲାର ହେଇଛି କି ପ୍ଲୁରାଲ ହେଇଛି? ଆରେ ଡିସେଗ୍ରିରେ ଲେଖାଯାଇଛି ମାନେ ଏଇଟା ପ୍ଲୁରାଲ ହେଇଛି, ଡିସେଗ୍ରି ପ୍ଲୁରାଲ। ଆଉ ଯଦି ସିଙ୍ଗୁଲାର କରିଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ଡିସେଗ୍ରିଜ୍ ଏସ୍ ଗୋଟେ ଲଗେଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। ମନେ ପଡ଼ୁଛି ନା ନାହିଁ? ଏତେ ସମୟ ଆମେ କ୍ଲାସ୍ କଲେଣି, ଆପଣ ଏଇଟା ବୁଝିବେନି ଯଦି। ଇଟ୍ ଇଟ୍ସ, ଗୋ ଗୋଜ୍, ଡୁ ଡଜ୍, ହଁ। ତେଣୁ କୁହନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଫ୍ ଡିସେଗ୍ରି କାହିଁକି କଲି ନା, ପ୍ରପୋଜାଲ ଯେତେବେଳେ ଯାଇଛି ଷ୍ଟାଫ୍ ମାନେ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲି ଆପଣମାନଙ୍କର କ'ଣ କ'ଣ କରିଥିବେ, ମତ ଦେଇଥିବେ। ଗୋଟେ ପ୍ରପୋଜାଲକୁ କ'ଣ ଗୋଟେ ଦଳ ଏକାଥରେ ମତ ଦେଇଛି କି? ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଫ୍ ମାନେ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲି ମତ ଦେଇଛନ୍ତି, ହେଲା, ଡିସେଗ୍ରି କରିଛନ୍ତି ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲି, ତେଣୁ ଏଇଟା ପ୍ଲୁରାଲ ଫର୍ମ ହେଇଗଲା, ସେଇଥିପାଇଁ ତାର ଭର୍ବ ମୁଁ ପ୍ଲୁରାଲ ଫର୍ମ ଲଗେଇଲି, ଓକେ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ୟାକୁ ସିଙ୍ଗୁଲାରରେ କହିବେ, ଯଦି ଆହୁରି ବି ୟାଠୁ ଭଲ ନେଚୁରାଲ ଲାଗିବ, କେତେବେଳେ କହିଲେ ପିଲାମାନେ ବେଳେବେଳେ ଇଂଲିଶରେ ଲେଖାଯାଏ ଦ ଷ୍ଟାଫ୍ ମେମ୍ବର୍ସ ଡିସେଗ୍ରି ଅନ୍ ଦ ପ୍ରପୋଜାଲ, ଆହୁରି ବି କ୍ଲିଅର ହେଇଯିବ, ବୁଝିହେଲା, ଓକେ। ଜାଣିହେଲା, ଏବେ କଲେକ୍ଟିଭ ନାଉନ୍ ଥିଲା ବେଳେ କ'ଣ କରିବେ, ଡିସାଇଡ୍ କରେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ, ଆପଣ ତାକୁ କେମିତି ସ୍ଥିର କରିବେ ଯେଟା ୟୁନିଟ୍ରେ ନେଉଛି ନା ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲରେ ନେଉଛି। ତାପରେ ଆସିଲା ରୁଲ୍ ନମ୍ବର ଏଇଟ୍, ଇଏ ବି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ ଅଫ୍ ଟାଇମ୍, ମନି, ମେଜରମେଣ୍ଟ ଏଣ୍ଡ ୱେଟ୍ ଆର୍ ୟୁଜୁଆଲି ସିଙ୍ଗୁଲାର ହ୍ୱେନ୍ ଦ ଏମାଉଣ୍ଟ ଇଜ୍ କନ୍ସିଡର୍ଡ ୱାନ୍ ୟୁନିଟ୍। ସେ କହୁଛି ଯେତେବେଳେ ସମୟ, ଟଙ୍କା, ପଇସା, ମେଜରମେଣ୍ଟର, ଓଜନର ଆପଣ ୟୁଜୁଆଲି ସେଇଟା ସିଙ୍ଗୁଲାର ହୁଏ, ଯେତେବେଳେ ସେ ଏମାଉଣ୍ଟକୁ ୱାନ୍ ୟୁନିଟ୍ ହିସାବରେ, ଗୋଟେ ଏକକ ହିସାବରେ କନ୍ସିଡର୍ କରାଯାଏ, ସରି, ଓକେ। କେମିତି ଏକ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ନେଲେ ଜାଣିପାରିବେ, ଦେଖନ୍ତୁ, ଫାଇଭ୍ ଡଲାର୍ସ ଇଜ୍ ଟୁ ମଚ୍ ଟୁ ଆସ୍କ। ଏଠି ପିଲାମାନେ ଫାଇଭ୍ ଡଲାର୍ସ ଲାଗିଛି, ପୁଣି କ'ଣ ଇଜ୍ ଲାଗିଲା, ଏଇଠି କ'ଣ ଜିନିଷଟା ବୁଝିପାରିଲେନି ବୋଧେ ନା? ଫାଇଭ୍ ଡଲାର୍ସ ପୁଣି କ'ଣ ଇଜ୍ ଲାଗିଲା, ପୁଣି ଲେଖା ହେଇଛି ନଟ୍ ଆର୍, ଆର୍ ହେବ ନାହିଁ, କାହିଁକି ହେଲାନି ନା? ଏଠି ଫାଇଭ୍ ଡଲାର୍ସକୁ ଗୋଟିଏ ୟୁନିଟ୍ ବୋଲି ନିଆହେଇଛି, ଫାଇଭ୍ ଡଲାର୍ସ ଗୋଟେ, ସେଠି ଏକ ଦୁଇ ତିନି ଚାରି ପାଞ୍ଚ ନୁହେଁ, ଫାଇଭ୍ ଡଲାର୍ସ, ବୁଝିହେଲା। ଟେନ୍ ଡେଜ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ନିୟରଲି ଏନଫ୍ ଟାଇମ୍, ଦେଖନ୍ତୁ ଟେନ୍ ଡେଜ୍ କହିଲେ ଏଠି ଟେନ୍ ଡେଜ୍କୁ ଗୋଟେ ୟୁନିଟ୍ ବୋଲି ନିଆହେଇଛି, ଦଶ ଦିନ, ତମେ ଦଶ ଦିନ ଛୁଟିରେ ଯାଉଛ, ଟେନ୍ ଡେଜ୍ ଗୋଟେ, ଏଠି ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଅଲଗା ଅଲଗା ନୁହେଁ, ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଲାଗିଲା ଟେନ୍ ଡେଜ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ନିୟରଲି ଏନଫ୍ ଟାଇମ୍। ମନେ ରହିଲା ପିଲାମାନେ, ଇଏ ରୁଲ୍ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏଇଟାକୁ ଜାଣୁଛନ୍ତି ନିହାତି ଆପଣ କାମରେ ଲଗେଇପାରିବେ। ମନେ ରହିଲା ରୁଲ୍ ଏଇଟ୍ଟା କ'ଣ, ଯଦି ଟାଇମ୍, ମନି, ମେଜରମେଣ୍ଟ, ୱେଟ୍ ଏଇଟାକୁ ଆପଣ ନେଉଛନ୍ତି, ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି, ଆପଣ ଏଇଟାକୁ ପଢ଼ିକି ରେଡ଼ି କରି ରଖନ୍ତୁ, ଚିନ୍ମୟ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବେନି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦିନେ ପରେ କି ଦୁଇ ଦିନ ପରେ ଟେଷ୍ଟ ନେଇକି ଆସିବି, ଆଉ ସେଇଥିରେ ବାଡ଼େଇବି ଯଦି ନ ପାଠ ପଢ଼ିଥିବି, ଖେଳ ଲାଗିଛି ଏଠି, ପାଠ ପଢ଼ିବନି ଆଉ କ'ଣ କରିବ। ଦେଖ ରୁଲ୍ ନମ୍ବର ନାଇନ୍, ସମ୍ ନାଉନ୍ସ ହ୍ୱାଇଲ୍ ପ୍ଲୁରାଲ ଇନ୍ ଫର୍ମ ଆର୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସିଙ୍ଗୁଲାର ଇନ୍ ମିନିଂ। ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଫାର୍ଷ୍ଟରୁ ହେଇଟା କହିଥିଲି, ଇଏ ଦେଖାଯାଏ ଏଙ୍କର ଦୁଇ ମୁଖା, ଇଏ ଦେଖାଯିବ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ଲୁରାଲ, କିନ୍ତୁ ଇଏ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବହୁତ ସାଧା ସିଧା ନିରୀହ ଲୋକ, ମାଛିକି ମୋ ବୋଲି କୁହନ୍ତିନି ଏମାନେ, କିନ୍ତୁ ସିଧା ମାରିଦିଅନ୍ତି ନାଇଁ, ତା ମାନେ କ'ଣ କହିଲେ, ମାନେ ଟୋଟାଲ ଆମ ପରୀକ୍ଷାରେ ଇଏ ଆମକୁ ହିଁ ତଣ୍ଟିଚିପି ଦେବେ। କେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି ପ୍ଲୁରାଲ, ମମ୍ସ, ହୋମ୍, ଇକୋନୋମିକ୍ସ, ସୋସିଆଲ ଷ୍ଟଡିଜ୍, ମିଜେଲ୍ସ, ଆପଣ ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ସ, ସିଭିକ୍ସ, ଜିମ୍ନାଷ୍ଟିକ୍ସ, ଫିଜିକ୍ସ, ଫୋନିକ୍ସ, ନ୍ୟୁଜ୍, ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ, ଇଏ ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଛି ଇଏ ସବୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ, ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ, ଇଏ ୱାର୍ଡ଼ ଗୁଡ଼ାକର ସମସ୍ତଙ୍କର ଶେଷରେ ଏସ୍ ଅଛି ନା, ହଁ ନା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ୟାର ସ୍ପେଲିଂରେ ସେମାନେ ସେଇଆ, ଏମାନେ ଲାଗନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ଲୁରାଲ, କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ସିଙ୍ଗୁଲାର। କେମିତି, ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଦେଖନ୍ତୁ, ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ଡେସ୍ ଆନ୍ ଇଜି ସବଜେକ୍ଟ ଫର୍ ସମ୍ ପିପୁଲ, ତେଣୁ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ଇଜ୍। ନ୍ୟୁଜ୍, ନ୍ୟୁଜ୍ ପାଖରେ ସେତେବେଳେ ସିଙ୍ଗୁଲାର କରାଇଥିଲେ ନା, ଇଜ୍ କରାଇଥିଲେ, ହଁ ନା ନାହିଁ, ମନେ ପଡ଼ୁଛି, କାହିଁକି ନା ଇଏ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ପ୍ଲୁରାଲ ଭଳିଆ, କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ସିଙ୍ଗୁଲାର। ମନେ ରହିଲା, ବୁଝିହେଲା, ଏଇଟାକୁ ମନେ ରଖିଦେବେ। ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା ରୁଲ୍ ନମ୍ବର ଟେନ୍, ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପିଲାମାନେ, ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି, କାହିଁକି ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ରୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ ଜାଣିସାରିଲିଣି ଆପଣ ଟିକେ ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲାଣି ଇଂଲିଶ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର, ଟିକେ ମୁଁ ଜାଣିଛି, ମୁଁ ଗୋଟେ ଆଗରୁ ଯେତେବେଳେ ଟ୍ୟୁସନ୍ କରୁଥିଲି ପିଲାମାନେ, ମୁଁ ଟେନ୍ କ୍ଲାସ୍ ପରେ ମୁଁ ପିଲାଙ୍କୁ ପଢ଼ାଉଥିଲି, ଗୋଟେ ପିଲାଙ୍କୁ ଏଇ ଇଂଲିଶ ପଢ଼େଇବା ଭିତରେ ମୁଁ ତାକୁ କହିଲି କାହିଁକି ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛୁ ଇଂଲିଶ କାହୁ, ସେ ମୋତେ କହିଲା ସାର୍ ଇଂଲିଶ ପ୍ରତି ମୋର ଭଲ ପାଇବା ନାହିଁ, ବୋଲି କାହିଁକି କହିଲା ସାର୍ ସେ 200 ବର୍ଷ ଆମ ଦେଶକୁ ଶାସନ କରିକି ଯାଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆଇ ହେଟ୍ ଇଂଲିଶ,
ବୁଝିହେଲା ବେଳେ ବେଳେ ମତେ ତ ଆପଣ ଲାଗୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ଉଛି ଯେମିତି ସତରେ ମୋ ସାମ୍ନାରେ ଆପଣ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ସେଇଭଳିଆ ମୁଁ ପଢ଼ାଏ। ଯାହାକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଆଉ ଯାହାକୁ ଖରାପ ଲାଗୁଛି ଗାଳି ଦେବେ, ଆଉ କ'ଣ କରିବି, ମୁଁ କିଛି କହିପାରିବିନି ସେଥିରେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମୋ ପଢ଼େଇବା ପ୍ରୋସେସ୍ ଏମିତି। ଦେଖନ୍ତୁ ରୁଲ୍ ନମ୍ବର ଆପଣଙ୍କର ଯିବା 10। ହ୍ୱେନ୍ ଏନି ଅଫ୍ ଫ୍ୟୁ ମେନି ସେଭରାଲ ବୋଥ ଅଲ୍ ସମ୍ ଇଜ୍ ୟୁଜ୍ ୱିଥ୍ ଏ କାଉଣ୍ଟେବୁଲ୍ ନାଉନ୍ ଦ ଭର୍ବ ଇଜ୍ ପ୍ଲୁରାଲ। ତା ମାନେ କ'ଣ, ଏଠି ବୁଝିହେଲାନି ସାର୍ କ'ଣ କହିଲେ। ସେ କହୁଛି ଏଇ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ାକ କେଉଁଟା କହିଲେ, ଫ୍ୟୁ ମେନି ସେଭରାଲ ବୋଥ ଅଲ୍ ସବୁ ସମ୍, ଇଏ ଯେତେବେଳେ କାଉଣ୍ଟେବୁଲ୍ ନାଉନ୍ ପାଖରେ, କାଉଣ୍ଟେବୁଲ୍ କ'ଣ ଯେଉଁଟାକୁ ଗଣି ହେବ, କାଉଣ୍ଟେବୁଲ୍ ନାଉନ୍ ହେଲା, ଦ ଭର୍ବ ଇଜ୍ ପ୍ଲୁରାଲ, ସେଇଟାରେ ଭର୍ବ ପ୍ଲୁରାଲ ଲାଗିବ। କେମିତି, ଏଠି ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ସମ୍ ମେନ୍ ଆର୍ ନିଡେଡ୍ ଫର୍ ଦ ବ୍ୟାଟେଲ। ତା ମାନେ ସମ୍ ଲାଗିଲା ଆପଣଙ୍କର କିଛି, ଓକେ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ମେନ୍ଟା ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁଟାରେ ଅଛି, ଏମ୍ ଇ ଏନ୍ ଅଛି, ଏମ୍ ଇ ଏନ୍ ଏମ୍ ଅଛି ମାନେ ପ୍ଲୁରାଲରେ ଅଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ଆର୍ ଲାଗିଲା। ମନେ ରହିଲା ମୁଁ କ'ଣ କହିଲି, ଯେତେବେଳେ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଥିବ, ଯଦି ଏଇ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ାକ ଅନକାଉଣ୍ଟେବୁଲ ସରି କାଉଣ୍ଟେବୁଲ ନାଉନ୍ ପାଖରେ ଥିବ, ତାହେଲେ ଆପଣ ତାକୁ କ'ଣ ଲଗେଇବେ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପ୍ଲୁରାଲ ଫର୍ମ କରିବେ। ତାର ଠିକ୍ ଅପୋଜିଟ୍ ରୁଲ୍ ନମ୍ବର 11 ଦେଖନ୍ତୁ, ହ୍ୱେନ୍ ଏନି ଅଫ୍ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କୌଣସି, ଫ୍ୟୁ ମେନି ସେଭେରାଲ ବୋଥ ଅଲ୍ ସମ୍ ଇଜ୍ ୟୁଜ୍ଡ ୱିଥ୍ ଆନ୍ ଅନକାଉଣ୍ଟେବୁଲ ନାଉନ୍, ତାହେଲେ ସେ ଭର୍ବ ସିଙ୍ଗୁଲାର ହେବ। ଯଦି ଗଣି ପାରୁଥିବେ ତାହେଲେ ପ୍ଲୁରାଲ ଲଗାନ୍ତୁ, ଯଦି ଗଣି ପାରୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସିଙ୍ଗୁଲାର ଲଗାନ୍ତୁ। ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ 10, 11 ଗୋଟିଏ ରୁଲ୍ର ଭାଇ ଭାଇ, 10, 11 ଦେଖନ୍ତୁ, 11 ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିବେ। ସମ୍ ମିଲ୍କ ଇଜ୍ ସ୍ପଏଲ୍ଡ, କିଛି ମିଲ୍କ ଖରାପ ହେଇଗଲା। ଏଇ ଯେଉଁ କୁହନ୍ତୁ ସମ୍ ମିଲ୍କ, ଆପଣ ମିଲ୍କକୁ କାଉଣ୍ଟ କରିପାରିବେ କି, ନା କରିପାରିବେନି, ମିଲ୍କ ଗୋଟେ ଅନକାଉଣ୍ଟେବୁଲ ନାଉନ୍, ତେଣୁ ଇଜ୍ ଲାଗିଲା। କିନ୍ତୁ ଏଠି ମେନ୍ ହେଲା କାଉଣ୍ଟେବୁଲ ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଆର୍ ଲାଗିଲା। କ୍ଲିଅର, ବୁଝିହେଲା। ତାପରେ ଆସିଲା ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ରୁଲ୍ 11 ସରିଗଲା, ଯେତିକି କହିଲି ନିହାତି ସବଜେକ୍ଟ ଭର୍ବ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରିବ, ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଛାଡ଼ିବିନି। ଆଜି କ୍ଲାସ୍ରେ କ'ଣ ପଢ଼ିଲେ ମୋତେ ଏଇଟାକୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର କୁହନ୍ତୁ, ତାପରେ ତ ମୁଁ ଆଣିବି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନ, ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଟେଷ୍ଟ। ଇଏ ହେଲା କ୍ଲାସ୍ ଇଂଲିଶ, ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ପିଲାମାନେ ପଢ଼େଇ ପାରୁନି, ଇଂଲିଶରେ ବହୁତ ଜିନିଷ ଅଛି, କହିକି ପଢ଼େଇଲେ ଭଲ ଲାଗିବ। ଖାଲି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆନ୍ସର୍ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବି, ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କିଛି ଜାଣିଥିବେ, ଆଉ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଟୋଟାଲି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସେମାନେ କେମିତି ପଢ଼ିବେ। ଓକେ, କୁହନ୍ତୁ ଆନ୍ସର୍, କୁହନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ, ଏହାର ଆନ୍ସର୍ ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ। ମାର୍ଗୋ ଆଣ୍ଡ ହାର୍ ପେରେଣ୍ଟସ୍ ଡେସ୍ ଇଚ୍ ଅଦର ଅଫେନ୍, ଭିଜିଟ୍ ହେବ ନା ଭିଜିଟ୍ସ ହେବ, ଏଇ ଦୁଇଟା ଅପସନ୍ରୁ ଆପଣ ମୋତେ କହିବେ। ଓକେ, ଆଇଦର ଦ କପ୍ସ, ଏଇ ଆଇଦର ଅର୍ ରୁଲ୍, ଆଇଦର ଦ କପ୍ସ ଅର୍ ଦ ଗ୍ଲାସେସ୍ ଡେସ୍ ଇନ୍ ଦ ଡିସ୍ ୱାସର, ଡିସ୍ ୱାସର, ଓକେ, ଆର୍ ଲାଗିବ ନା ଇଜ୍ ଲାଗିବ, ଗ୍ଲାସେସ୍ ଅଛି ହେଲା। ରାଜୁ ଆଣ୍ଡ ମିଟୁ ଡେସ୍ ଏ ରାଇଡ୍ ଟୁ ୱାର୍କ, ନିଡ୍ ହେବ ନା ନିଡ୍ସ ହେବ, ଏଇଟା ମନେ ରଖିବେ, ନିଡ୍ ହେବ ନା ନିଡ୍ସ ହେବ ମୋତେ କହିବେ। ନିଡ୍ସ, ନିଡ୍ ହେଲେ ପ୍ଲୁରାଲ, ନିଡ୍ସ ହେଲେ ସିଙ୍ଗୁଲାର, ଆର୍ ହେଲେ ପ୍ଲୁରାଲ, ଇଜ୍ ହେଲେ ସିଙ୍ଗୁଲାର, ଭିଜିଟ୍ ହେଲେ ପ୍ଲୁରାଲ, ଭିଜିଟ୍ସ ହେଲେ ସିଙ୍ଗୁଲାର। ନେକ୍ସଟ, ଦେ ଆର୍ ଡେସ୍ ଏ ଡଗ୍ ଏ କ୍ୟାଟ୍ ଏଣ୍ଡ ଏ ବାର୍ଡ ଇନ୍ ଦ ଗ୍ୟାରେଜ, କ'ଣ ହେବ, ଦେ ଆର୍ ଇଜ୍ ହେବ ନା ଆର୍ ହେବ। ତେଣୁ ଇଏ ଚାରୋଟି ଆପଣ କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାନ୍ତୁ, ଆଉ ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣଙ୍କ ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଦିଅନ୍ତୁ, ସେଇଟା ହିଁ ମୋ ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏନର୍ଜି ମୋତେ ମିଳିବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆହୁରି କ୍ଲାସ୍ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଏହାର ଆନ୍ସର୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ବତେଇଦେବି, ଆଉ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ ବି ମୁଁ ଚେକ୍ କରିନେବି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଗଡ୍ ବ୍ଲେସ୍ ୟୁ, ବାଏ ବାଏ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।